नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। कुल्लू में शास्त्री शिक्षकों के 9 पदों को भरने के लिए बैच वाइज काउंसलिंग की तिथि 9 जनवरी को निर्धारित। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुल्लू के कार्यालय में अनुबंध के आधार पर शास्त्री शिक्षकों के 9 पदों को भरने के लिए बैच आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया 9 जनवरी को पुनः निर्धारित की गई है। बता दें कि उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा जिला कुल्लू के कार्यालय में 17 और 18 नवम्बर को शास्त्री शिक्षकों के 9 पदों को भरने के लिए काउंसलिंग निर्धारित की गई थी। कार्यालय में 17 नवम्बर को काउंसलिंग हुई थी। वहीं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला के निर्देश अनुसार आगामी आदेश तक काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला से प्राप्त निर्देश अनुसार पुनः काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से फेल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से फेल हुआ है। कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लिया है। ये बातें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ में 1 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के दौरान पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जिन ग्रांटियों का लालच दिया गया था, उनमें से एक भी ग्रांटियों को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। सरकार ने 6 CPS व 7 एडवाइजरों को कैबिनेट रैंक देने के अलावा कुछ नहीं किया है, जबकि प्रदेश के युवा नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 1500 से अधिक संस्थानों को खोला गया था, उन्हें वर्तमान सरकार ने आते ही डिनोटिफाई कर दिया है और आज तक एक भी संस्थान नहीं खोल पाई है। दोन में अभी तक SDM कार्यालय नहीं खोला गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 साल में 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर रिकॉर्ड कायम किया है। आपदा के दौरान केंद्र से भरपूर सहयोग मिलने के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को कोसा जा रहा है। स्पीति में वाहनों से ली जाएगी साडा डेवलपमेंट फीस, 1 जनवरी से शुरू होगी सुविधा। जिला लाहौल स्पीति के स्पीति खंड के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण काज और ताबो में हिमाचल प्रदेश सहित देश भर के विभिन्न हिस्सों से आने वाले वाहनों के प्रवेश करने पर शुल्क अदा करना होगा। 1 जनवरी से साडा डेवलपमेंट फीस के लिए बैरियर सोमदो में स्थापित किया जा रहा है। फीस प्रति ट्रिप ली जाएगी। 1 जनवरी से हर वाहन को साडा डेवलपमेंट फीस अदा करनी होगी। सीएम सुक्खू ने सचिवालय पहुंचकर निपटाई फाइलें, अधिकारियों से लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को दिल्ली से वापस शिमला लौटने पर सीधे सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देर शाम तक सचिवालय में विभिन्न फाइलों को निपटाया और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से आए लोगों और प्रतिनिधि मंडलों ने भी उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री आगामी 1 जनवरी को मनाली जा सकते हैं। वे 2 जनवरी को विंटर कार्निवल मनाली का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही उनका आने वाले दिनों में दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के लिए भी दिल्ली जाएंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शनिवार को गृह विधि पर्यटन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल तैयार, इस बार रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों की आने की उम्मीद। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल तैयार है। जश्न को लेकर प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों में तैयारियां पूरी हो गई है। इस दौरान होटलों में देर रात तक नए साल का जश्न जारी रहेगा। सभी होटलों में इस मौके पर DJ पार्टी और लाइव बैंड का आयोजन किया जाएगा। होटलों में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए डांस पार्टी, डाइन एंड डांस, कपल्स डांस, बेबी डांस होगा। कई होटलों में गजल का कार्यक्रम भी करवाया जाएगा। SPTDC के होटलों सहित सभी प्राइवेट होटलों में इस दौरान पर्यटकों को हिमाचल व्यंजन भी परोसे जाएंगे। सोलन पुलिस ने किया चिट्टा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, मुख्य सरगना यूपी से गिरफ्तार। सोलन पुलिस ने एक और चिट्टा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में हरियाणा के एक चिट्टा तस्कर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के सदस्यों के बैंक खातों की जांच करने पर खुलासा हुआ कि इसमें पिछले कुछ वर्षों से 4.5 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। SP गौरव सिंह ने बताया कि 7 दिसंबर को जिला की स्पेशल टीम ने 2 आरोपियों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान निर्मल निवासी सुनील कुमार और संदीप ठाकुर उर्फ बन्नी के तौर पर हुई थी। इसमें थाना सदर सोलन में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को पुलिस मान पर लेकर जांच की गई। इसमें एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ,
जिस पर इस मामले में SIT गठित करके जांच की गई। मध्य प्रदेश से शिमला घूमने आए पर्यटक की शिमला के जाखू में मौत। मध्य प्रदेश से शिमला घूमने आए 39 वर्षीय पर्यटक की मौत हो गई है। वे अपने दोस्तों संग शिमला के जाखू मंदिर गया हुआ था, जहां पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया और परिजनों को सूचित कर दिया। दुराचार पीड़ित मॉडल की बिगड़ी तबीयत, आरोपी को गिरफ्तार करने लुधियाना पहुंची शिमला पुलिस। शिमला में दुराचार का शिकार हुई पंजाब की 23 वर्षीय मॉडल की तबीयत बिगड़ गई है। वे यहीं शिमला में और पुलिस उसके ठीक होने के बाद कोर्ट में उसके बयान दर्ज करवाएगी। शिमला पुलिस दुराचार के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब के लुधियाना पहुंच गई है। आरोपी लुधियाना में धर्मकोट एरिया का रहने वाला है। बता दें कि शिमला में शूटिंग के लिए आई उक्त मॉडल ने साथ युवक पर दुराचार करने का आरोप लगाया है। हिमाचल में 448 पदों पर होगी रिटायर्ड पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश में सरकार 448 पदों को रिटायर्ड पटवारियों, कानूनगो व नायब तहसीलदारों से भरेगी। इसके तहत पटवारियों के 220 पद, कानूनगो के 199 पद और नायब तहसीलदार के 29 पदों को रिटायर्ड राजस्व अधिकारियों से भरा जाएगा। पटवारियों की नियमित नियुक्ति होने में 3 साल का समय लगेगा। ऐसे में सरकार ने अस्थायी व्यवस्था के तहत रिटायर्ड राजस्व अधिकारियों को पुनः रोजगार देने का निर्णय लिया है, ताकि लंबित कार्य को जल्द निपटाया जा सके। हालांकि प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में जल्द ही पटवारियों के 874 पदों को भरने जा रही है। इसमें मोहाल में 697 तथा सेटलमेंट में पटवारियों के 177 पदों को भरा जाना है। इन पदों की भर्ती में 3 वर्ष का समय लग जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष भर्ती प्रक्रिया चलेगी और 2 वर्ष का समय इनके ट्रेनिंग में लगेगा। प्रदेश में राजस्व विभाग में वर्तमान में पटवारियों के करीब 220 पद खाली है। आने वाले समय में पटवारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त पदों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। हिमाचल में अगले 72 घंटों में बारिश बर्फबारी, मौसम विभाग ने जताई संभावना बढ़ेगा शीतलहर का प्रकोप। बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों की मुराद दिसंबर के आखिरी 2 दिन में पूरी हो सकती है। हालांकि बर्फबारी की ये संभावना अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा रहेगी और बर्फ देखने के लिए पर्यटकों को पहाड़ों का रुख करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटे तक बर्फबारी और खराब मौसम रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने शनिवार से बदलाव की संभावना जताई है। शनिवार को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। इससे प्रदेश के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाएगी। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम विभाग ने शिमला, कल्पा काज और कुल्लू के लांग मार्ग पर सफर करने वाले वाहन चालकों को हल्की बर्फबारी और खराब मौसम से सतर्क रहने की सलाह जरूर दी है। इन मार्गों पर बर्फबारी और हल्की बारिश होने की संभावना है। LPG सिलेंडर में धमाका, SDM जूल से शिमला के कोटखाई में पेश आया दर्दनाक हादसा। शिमला जिले के कोटखाई में एक LPG सिलेंडर विस्फोट में इलाके के SDM अश्वनी कुमार शर्मा आंशिक रूप से झुलस गए हैं। उन्हें हल्की चोटें आई है। उनका कोटखाई अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये घटना शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे SDM अश्वनी कुमार के आवास में सामने आई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, बांटो और राज करो कांग्रेस के DNA में, इंडिया गठबंधन के नेता जेल में या बेल पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जब भी आती है तब बांटो और राज करो की रणनीति अपनाने की कोशिश करती है। कांग्रेस कभी जाति जनगणना की बात करती है तो कभी क्षेत्रवाद की बात करती है, मगर कभी भी विकास के मुद्दे पर नहीं बोलती है। देश को आगे बढ़ाने वाली चर्चा से कांग्रेस सदैव दूर भागती है। ये बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान झंडोत्था में कही है। हमीरपुर के भोरंज में नशे की बड़ी खेप बरामद, 5 किलो चरस के साथ एक गिरफ्तार। हमीरपुर जिले के भोरंज थाना के तहत मुंडकर के समीप चाल सड़क पर कुल्लू निवासी एक व्यक्ति से 5 किलो 22 ग्राम चरस बरामद की गई है। जेल में साल 2023 में बरामद की गई नशे की सबसे बड़ी खेप है। पुलिस चौकी जाओ की टीम ने देर रात नाके के दौरान ये बड़ी सफलता हासिल की है। वोकेशनल शिक्षा के ट्रेड की डिजाइन होगी पुस्तकें, समग्र शिक्षा विभाग ने लगाई कार्यशाला। स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा के तहत पढ़ाए जा रहे ट्रेड की पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। चरणवार तरीके से ये पुस्तकें डिजाइन की जाएगी। पहले चरण में ऑटोमोटिव और रिटेल सेक्टर की पाठ्य पुस्तक को डिजाइन किया जा रहा है।
इसके लिए विभाग की ओर से 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है जो 1 जनवरी तक चलेगी। समग्र शिक्षा विभाग तथा स्टार प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यशाला करवाई जा रही है। शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, बोले DGP मामले में कोर्ट के आदेश पढ़ने के बाद लूंगा फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि DGP मामले में कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद फैसला लिया जाएगा। शुक्रवार को नई दिल्ली से राजधानी शिमला लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश था तब मैं प्रदेश से बाहर था, कोर्ट के आदेश को पढ़ नहीं पाया हूँ, अब आदेशों को पढ़ूंगा और विस्तृत चर्चा करने के बाद आगामी फैसला जल्द लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ईमानदार छवि और जनाधार वाले नेताओं को कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। बीते दिनों नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ विस्तार से कई मामलों पर चर्चा हुई है। हमीरपुर में लोगों ने बकरे के गले में पोस्टर बांध कर किया प्रदर्शन, बांध संस्थान खोलने की उठाई मांग। क्षेत्रीय विकास मंच लमलू के बैनर तले स्थानीय लोगों ने डीनोटिफाई संस्थानों के निर्णय के विरोध में लमलू बाजार में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। यहां पर सरकार के निर्णय के विरोध में बकरे के गले में पोस्टर बांध कर ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में स्थानीय 8 पंचायतों के लोग, महिला मंडल और युवक मंडल के सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि शामिल रहे। लमलू बाजार में आक्रोश रैली पहले पंचायत घर के प्रांगण तक पहुंची और यहां पर एकत्रित होकर पंचायत प्रतिनिधि और विकास मंच के पदाधिकारियों ने लोगों को संबोधित भी किया। रैली के बाद ग्रामीणों ने ज्ञापन पत्र नायब तहसीलदार लमलू को सौंपा। लोगों ने चेताया कि 3 महीने के भीतर मांगों को नहीं माना गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। स्कूल बसों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य, बिना डिवाइस के नहीं होगी पासिंग। स्कूल बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस BLTD लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना BLTD के आप स्कूल बसों की पासिंग नहीं होगी। परिवहन विभाग की ओर से इसको लेकर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और मोटर व्हीकल निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने चार तस्कर को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, देना होगा 1,00,000 रुपए जुर्माना। अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश चंबा मोहित वंशल की अदालत ने लखविंदर सिंह पुत्र दौलत राम निवासी गाँव नाकोई डा गढ़थली तहसील चुरा जिला चंबा को चार तस्कर के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1,00,000 रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। चंबा में मकान में आग लगने से 2 कमरे व किचन जलकर राख, व्यक्ति झुलसा। चंबा जिले की क्यानी पंचायत में एक मकान में आग लगी, इससे मकान के 2 कमरे व किचन जलकर राख हो गया है। अग्निकांड में 1,00,000 रुपए का नुकसान आंका गया है, वहीं एक व्यक्ति भी झुलस गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत ठीक है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।